जियाउल हक, अच्छा जियाउल हक वो बड़ा चंगा लगता क्योंकि उन्होंने मैं खानदान भी जानना, वो जो रिश्तेदार भी जलंधर से उन्होंने भी जानना, राई है गए से भले मान से गए से मक्के शरीफ से मेरे को रहा इन्हों का मैं इंतजाम खाने पीने का जियाउल हक का, कोई बीवी सी नाल भरा ए बेटा सी बड़ा एक जैनी उसकी बेटी सी नाल, हरम पाक च इन्हों का पानी का खाने का इंतजाम मैं किया, तो मेरे को उत्थे सतैसवीं रात में सारा इंतजाम इन्हों का किया, बल्कि ये कुरान पाक मेरे उल्टे हाथ पे सी सारे, तो ये हालांकि मैं कह सकते कुरान पाक मैं फड़ा चुके नहीं, आप उठे ने जा कुरान पाक पढ़िया, जियाउल हक साहब ने कुरान पाक चुकिया चुके तो आप कुरान पाक पढ़ते रहे, तो नफल तो समझ लो सारी रात ही पढ़ते रहे, तो मैं इन देखता रहा कि दे सानू दिखाने लिए तो नहीं पढ़ते पे, मगर नहीं पक्का नमाजी है सी। हाँ जी, फिर सतैसवीं रात सी तो बड़ा रश है सी, इन्ने रश च खाने काबे के तवाफ लिए बढ़ना बड़ी मुश्किल है सी, मगर ये जियाउल हक साहब का काम सी कि जरा इन्ने रश च ऐं ना सिक्योरिटी की परवाह की ना सीधा रश के बिच गए गर्मी के बिच, मैं सो खुद इन्ना हैरान हो गया कि इतने सह घुटे जाने इन्ने रश च जियाउल हक क्यों, क्यों मुहब्बत करते सी खाने काबे ने भी तो सही मुसलमान सी। ठीक है, बाकी कितने का दस रहे हो कितने तुहाडे घर स्टे किया सी उस टाइम, तुसी मक्के दे विच सीगे? हाँ जी, उस वेले मक्के शरीफ चे गए। अच्छा, उस टाइम तुसी मक्के शरीफ दे विच सीगे जदे तुहाडे कोल जियाउल हक आए सन? जियाउल हक आए सी, फिर मैं ए जरा ना ए शाह फैसल ये नाल ही मैं उमरा किया, कर्नल कज़ाफी साहब ने भी सफा मरबा असं कट्ठे करते रहे हैं, तो जियाउल हक ने किन्नी उम्र मैं किन्ने जुमे कट्ठे से पड़े जियाउल हक के नाल, तो जियाउल हक की कोई यादा शेयर करना चाहते हो तो साढ़े नाल भी करो। वो मैं ये करना है कि जो फौत हो गए ना जियाउल हक, तो मैं जद्दे गया सी मक्के, उतो जद्दे आए तो उतो आन के टैक्सी बैठे जद्दे आने वास्ते मक्के, तो तीन चार औरतें बैठिया सी, वो कहंदिया कि देखो अज जियाउल हक साहब शहीद हो गए ने, तो मैं क्या फिर की होया डिग पै, तो वो मेरे गल पै गई हैं कि मैं तो एवं कह बैठा मेरे मुँह निकल गया, कहंदी कि वो अपनी जिनी हूँ तनखा मिलती सी ना, वो तनखा जो एक हज़ार रुपया पिंडी साढ़े घर भेजता सी हर महीने, अपनी तनखा जो एक हज़ार रुपया सानू मिलता सी, तो हूँ वो मर गया शहीद हो गया, तो हूँ सानू किन देने ने पैसे, रोंदियां सी वो औरतां काफ़ी उम्र सीदा सी, वो भी हज करके आ रही तनखाह। हाँ, अपनी अपनी तनखा जो हर महीने महीने उन्होंने घर भेज दे। फिर मैं इतने उन्होंने मैंने कहा कि जियाउल हक ने मैं उन्होंने कहा मक्के जी कहते आना पाकिस्तान मिलना, उदो सदर ही गए थे, मैं क्या अच्छा मिलागा, तो मैं क्या जी गल सुनो इतने सारे ही कहते कि मिलागे, उत्थे जा कोई नहीं खत भी नहीं पाते, कहते यह गल है, पाँच दिन बाद खत काफ़ी सारा लंबा खत लिख के आ गया मैनू कि खैर खरीद दस हो गए कोई काम हो पाकिस्तान ये तो मैं दसना है, ये तो है अजीज भट्टी अजीज है मेजर जनरल अजीज है शहीद नहीं अजीज दूसरा अच्छा, मेजर अजीज है लाहौर का जरा आर्मी का, तो वो फिर मैं उन्होंने मिलन गया पिंडी जी ओ आर से, तो किस्मत की गल नहीं मुलाकात, उस जिदन मैं जीवा के अंदर बढ़िया वो खत लैके भी उस जहाज हैलीकॉप्टर बह के उच्चे चले गए, फिर वो जो मुलाजम उन्हें क्या जी वो उत्ते चले गए हूँ तू कि, तो फिर मुड़ के मैं गया नहीं, इस कारण मैं देखना कि नमाजी आदमी नमाजी आदमी से आज जिम्मे दस रहे अंबल से आजस से तुम मुलाकात का इजहार किया, मुलाकात हो गई अज तो सियासतदान वास्ते तो मुलाकात करना कि जवाब देना बड़ा मुश्किल होया है, खत का क्या खत उन्होंने फौर मैंने पाया कि अपना खैर खरीदा आवी तो जरूर मैंने मिली कि जिनी साढ़े को मक्के की खिदमत हुई, हालांकि सतैसवीं रात से मां पुत्र नहीं सी संभालती, उत्थे पानी का इंतजाम उदों कोई नहीं सी हुंदा, एक रुपए एक रियाल का एक गिलास मिलता हुंदा सी, मगर मैं ओदी खातर ओदे सामने अरबी दे नाल जिहड़ा इंस्पैक्टर सी ना उन्होंने अरबियां का मदीर, ओदे नाल मैं ओदे सामने लड़िया कि ताड़ा मदीर आंदा तो असी हत्थां दे चुकने हैं, तो साड़ा मदीर नूं आए नूं घंटा हो गया रईस नूं, तो तुसीं पानी तक नहीं आली पहुँचाया रईस ना, जो मैं उन्हें लड़े ना उन्हें, तो जियाउल हक साहब देख रहे सी,
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਹਰਨ 'ਚ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਮਾਨੀ ਸਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਰਿਆਲ ਕਿ 3 ਰਿਆਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ।